आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप पेंटिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, मेरी बेटी बना रही है। दिवाली के वेकेशन में इस टाइम को प्रॉपर उन्होंने यूज़ किया है, जिससे घर भी डेकोर हो जाए और उसका उनका आर्ट भी निखर जाए। ये कैनवस मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। ऑनलाइन आपको हर साइज और शेप की कैनवस मिल जाएगी। इस कैनवस में मधुबनी पेंटिंग से मछलियाँ बन रही है, जो बहुत ही कलरफुल है। दिवाली होम डेकोर वाले वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने इस पेंटिंग को कैसे सजाया है, जो मेरी घर की खूबसूरती को और बढ़ा दे रही है। और इस कैनवस की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हर पेंटिंग की अलग पहचान होती है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में बनाए जाने वाली खास तरह की पेंटिंग है। बहुत ही बारीकी से हर जगह को भरना पड़ता है। बहुत ही सुंदर और कलरफुल पेंटिंग उसने तैयार किया। उसने 3 कैनवास बनाए, जिससे मैंने अपने वॉल को डेकोरेट किया। स्कूल कॉलेज में भी दिवाली वेकेशन मिल गई है। बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि बाहर आना जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी हॉबी को पूरा कर सकें। जिन हॉबी को पूरा करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं मिल पाता था, इसका उन्होंने प्रॉपर यूज़ किया है इस टाइम का। जब वो अपनी हॉबी के पसंदीदा हॉबी के पीछे टाइम स्पेंड करते हैं, तो टाइम यूं ही बीत जाता है और कैसे बच्चे का वेकेशन ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। बहुत ही छोटे छोटे बारीक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पेंटिंग को पूरा किया है। मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जिनको ब्लैक कलर या किसी और कलर से गैप रखते हुए पूरा करना पड़ता है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसने हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे पूरा किया। यदि आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है और आप भी करना चाहती हैं, तो गूगल में आपको बहुत सारी डिज़ाइनें मिल जाएगी, जिसे देख के आप एक अच्छी सी पेंटिंग बना सकती हैं। पूरे पेशेंस के साथ और बारीक काम करते हुए इसने इस पेंटिंग को पूरा किया। पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनी। मार्केट में जब आप इस तरह की पेंटिंग को खरीदने जाती हैं, तो बहुत ही महंगी मिलती है। इस वेकेशन में उन्होंने ड्राइविंग सीखकर टाइम को यूज़ किया है, क्योंकि दिवाली वेकेशन ख़त्म होने के बाद इनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो काफ़ी लंबी होती है। उन्हें अब जब भी मौका मिलता है, वो अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर बैठे हुए हैं, लेकिन अब बच्चों को सीखा हुआ काफ़ी दिन हो गया है और बच्चे अच्छी तरह से ड्राइव कर लेते हैं। किस तरह से उन्होंने अपने टाइम को प्रॉपर यूज़ करने के लिए कुछ कुछ नए नए क्रिएटिविटी करते गए। मेरे पास एक प्लेन वाइट कलर की मास्क थी, जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कलरफुल पेंटिंग कर दिया। येलो कलर की फेविक्रिल कलर की पेंट से एक पोटैटो पे उन्होंने ट्रायंगल शेप बना लिया और उसको पहले येलो कलर से बहुत ही अच्छे से फिलअप कर लिया। पोटैटो के ऊपर फेविक्रिल कलर को उसने बहुत ही अच्छी तरह से भर दिया। जो एक्स्ट्रा कलर था उसको हटा दिया, ताकि वो मास्क के ऊपर फैले नहीं, और उसको ज़ोर से दबाते हुए उस डिज़ाइन को उसके ऊपर छाप दिया गया। बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते हुए उसने पूरे मास्क पे इस तरह के डिज़ाइन को बना दिया। आप अपने मनपसंद डिज़ाइन और कलर लेकर इस तरह से एक वाइट मास्क को बहुत ही फैशनेबल और डिज़ाइनर बना सकते हैं। ग्रीन कलर के फेविक्रिल को यूज़ करके इसका लीफ बनाया गया, जो ये बिल्कुल पाइनएप्पल शेप में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से उसने एक दूसरे मास्क को एक अलग ही डिज़ाइन में पेंट किया। इसमें पोटैटो के ट्रायंगल शेप में टुकड़े काटे गए, बहुत ही छोटा सा स्लाइस इसका बनाया गया, और इसी को पेंट करके मास्क के ऊपर डिज़ाइन बनाया जाए। हाफ सर्कल शेप के पोटैटो को उसने रेड कलर के फेविक्रिल से कलर किया, फिर पहले वाले प्रोसेस की तरह ही जोर से मास्क के ऊपर दबाया और जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई, उसे ब्रश के हेल्प से उसने अच्छी तरह से शेप दे दिया। ग्रीन कलर के आउटलाइन से इसको डेकोरेट किया गया। इसमें छोटी छोटी ग्रीन डॉट्स भी बनाए गए, जिसे देखने में बिल्कुल तरबूज की तरह लगता था, और आपके पास एक यूनिक मास्क तैयार हो गया।
नए तरह के इंस्ट्रूमेंट को भी यूट्यूब के हेल्प से बच्चों ने बजाना सीखा। इस तरह से बच्चों ने अपने वेकेशन के टाइम को प्रॉपर यूज़ किया, बहुत कुछ उन्होंने सीखा, बहुत कुछ घर के लिए बनाया और उनका टाइम प्रॉपर यूज़ हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके बच्चों ने इस वेकेशन में क्या क्या किया ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।